सर यू मे स्टार्ट। ओके मैम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था हाउ टू स्क्वेयर टू डिजिट नंबर्स, कि दो डिजिट नंबर्स को हम कैसे स्क्वेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर मल्टीप्लिकेशन एक बार दोबारा से बता दूं टू डिजिट की, तो मैं अभी आपको एक बार दोबारा से टू डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूं। आज हम जो सीखेंगे उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में स्क्वेयरिंग स्टार्ट कर दिया था, तो स्क्वेयरिंग से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो पहला टॉपिक आज का हमारा होगा वो होगा स्क्वेयरिंग ऑफ थ्री डिजिट नंबर। स्क्वेयरिंग ऑफ थ्री डिजिट नंबर जिसमें आप 1 to 1000 किसी भी जो है नंबर का स्क्वेयर कर सकते हो, थ्री डिजिट नंबर्स 1 to 1000, 1 to 9999 यू कैन से, एक से लेकर जो है 999 तक आप कर सकते हो। स्क्वेयरिंग के बाद हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वेयर रूट, क्योंकि स्क्वेयर रूट भी एक मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का। स्क्वेयर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वेयर रूट, शॉर्टकट में हम कैसे स्क्वेयर रूट को निकाल सकते हैं। और थर्ड हम सीखेंगे हाउ टू क्यूब ए नंबर, क्यूबिंग यू कैन से, क्यूबिंग हम सीखेंगे, क्योंकि क्यूबिंग में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, तो इसमें आपको दो डिजिट नंबर तक आ जाना चाहिए। और लास्ट जो कि आज का मेन पार्ट है वो है टेबल्स, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था कि सर टेबल्स, तो यहाँ भी आज मैं आपको बता दूंगा कि 1 to 100 या उससे भी बड़े टेबल्स आप कैसे लिख सकते हो विद इन सेकेंड्स। तो ये जो है हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे जिनके ट्रिक्स हम सीखेंगे। लेकिन एक जो बच्चे बोल रहे थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन द्वारा से बता दूं, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको एक बार द्वारा बता देता हूं। मेथड वही है, बट मैं उसको आज थोड़ी डिफरेंट वे से प्रेजेंट कर दूंगा, तो जिन लोगों को डिफिकल्टी आई है तो उनकी ये डिफिकल्टी भी दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन विद टू डिजिट्स। और लास्ट में मैं आपको एक मंत्रा दूंगा, आई विल टेल यू ए मंत्रा हाउ टू मेक फास्ट योर कैलकुलेशन। तो मल्टीप्लिकेशन विद टू डिजिट्स, तो कुछ एग्जांपल मैं वही ले लेता हूं जो मैंने प्रीवियस क्लास में दिए थे। 24 into 32, तो लास्ट ईयर सॉरी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो क्रॉस करके लिखना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। मेथड वही है लेकिन उसको डिफरेंट वे से हम प्रेजेंट कर देंगे। जैसे 2 into 3 है, पहले डिजिट को पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे एक लाइन लगा लो आप 06। फिर उसके बाद आपको सेकंड वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है 08। ये करने के बाद फिर आपको जो लास्ट वाले दो डिजिट है इनका टोटल कितना हो गया 04, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 04, और जो मिडिल वाले हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 12, इनका टोटल करना है 16 और 1 यहाँ लिखना है, 6 यहाँ पे लिखना है और इसको ऐड कर देना आपने। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 0 कंसिडर करके चलना है आपको, 8 6 7, तो 7 6 8 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है 84 into 22, 84 into 22, जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है 8 into 2 16, सेकेंड वाले नंबर को सेकेंड वाले नंबर से करना है 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 8। तो आपने 08 लिखना है, आप खाली 8 लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कीप इन माइंड। नेक्स्ट लास्ट वाले नंबर्स
लास्ट वाले डिजिट मल्टीप्लाई होंगे 16 और 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 8, 24 आ गया। आप इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 खुद लगा लो, 8 4, और ये 8 1 8 4 8 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लोग बच्चों को प्रेजेंटेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आई होगी, तो उसके लिए मैंने फिर आपको दूसरा जो है तरीका बता दिया कि आप इसको डिफरेंट वे से भी प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है 49 into 18, और मैं एक दो नंबर की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। 49 into 18, तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है 04, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है 72, 9 8 72, फिर ये बीच वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट वाले नंबर को, ये किया हमने 32, फिर 9 into 1 किया 9, ये 41 हो गया, 41 को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 882, 2 8 and 882। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिक्सटी थ्री इंटू सिक्सटी फाइव, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है 36, सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है 15, फिर आपको लास्ट वाले दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 30, और मिडल वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है 18, तो ये आपका आ जाएगा 48 टोटल, और इसको यहाँ पे आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 4095। 0 आप खुद लगा लो, 594095, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 35 into 39, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 9, फिर 5 को 9 से करेंगे 45, फिर लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से 27, 3 into 9, फिर 15, 42 में 4 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ खुद से 0 लगाएंगे, 5 6 1 3 6 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से साथ ही साथ चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, 35 into 19, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 03, 5 को 9 से करेंगे 45, फिर लास्ट वाले नंबर 27, 3 9 27, 5 into 1 5, 32 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और 0 यहाँ पे खुद लगाना है आपको, 5 6 6, तो 6 6 5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा इसका। और ले लेते हैं 19 into 27 ले लेता हूँ, 19 into 27, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है 2, सेकंड वाले को सेकंड से करना है 63, फिर मिडल वाले नंबर्स को और लास्ट वाले एक्सट्रीम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस 18, 25 आ जाएगा, 25 को जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, 0 यहाँ खुद लगाएंगे, 3 1, और यहाँ पे 11 आ गया तो 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5, 513 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और नंबर उठा लेते हैं, 54 into 62, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है 5 into 6 30, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, सिंगल डिजिट को आपने 08 लिखना है, फिर एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है 5 into 2 10, और मिडल वालों को मल्टीप्लाई करना है 24, यू विल गेट 34, ये 34 आपको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे 0 खुद लगाना है, 8 4 3 3 4 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं।
28 इंटू 28, वैसे मैंने आपको स्क्वेयर इसका बताया कैसे करना है, क्योंकि ये तो स्केयरिंग वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, तो वो मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फिर चलो इसको मल्टीप्लिकेशन से भी करके देखते हैं। 04, 8 इंटू 8 64, फिर एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है 16, 2 इंटू 8 16, फिर 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 16 32, तो 32 आप यहाँ पे लिख दोगे, 0 खुद से लगाओगे, फिर ऐड करोगे इसको, 4 8 एंड 784 जो है हमारा आंसर आएगा, 22 का 28 का स्क्वायर 784 ही होता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आज फिर दोबारा से आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो आई थिंक जिन बच्चों का लास्ट क्लास में ये थोड़ा इश्यू था कि उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आई, तो वो अब इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये आप अपने एंड पे ट्राई कीजिए। वैसे तो आप अपने खुद से नंबर उठाओ और उनको मल्टीप्लाई करके देखो, उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है जी, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं स्क्वेयर की तरफ। मैंने आपको 2 डिजिट का स्क्वेयर करना बताया था, उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक करवाए थे। पहला मैंने आपको वो नंबर्स का स्क्वेयर करना बताया था जिनके लास्ट में जो है 5 आता है, तो एक बारी मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको 35 का स्क्वेयर करना है, तो आपको क्या करना है, ये 5 का स्क्वेयर करना है पहले, जो एक्सट्रीम राइट डिजिट है 25 आ गया, ये तो हमेशा ही 25 आएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ नहीं आना है, और इस नंबर को 1 इंक्रीज कर देना है, 3 को 1 इंक्रीज किया 4, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 1225। एक ये मेथड बताया था मैंने आपको, मैं जब एक बारी आपको ब्रशअप कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या हुआ ताकि आपको लिंकअप करने में कोई दिक्कत ना आए। फिर 111 मैंने बताया था, जैसे जिन ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ 1 1 आते हैं, 111 का स्क्वेयर आपको करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था खाली आपको डिजिट काउंट करने हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो आपको जो है 3 डिजिट जो है उससे करना है, 1 2 3 लिखना है आपको, 3 डिजिट है तो, और फिर रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख देना है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 1। हाँ जी, ये लास्ट क्लास में हमने किया था। फिर मैंने आपको स्क्वेयरिंग करना बताया था, जैसे एक नंबर उठा लेता हूँ मैं कोई भी, 78 का स्क्वेयर ले लेते हैं, 78 स्क्वेयर, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट का आपको स्क्वेयर करना है, ऐसे आपको लाइन लगानी है, 64 आ गया, ये मैंने 8 का स्क्वेयर किया है। फिर आपको नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 8 56, और 56 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा 112। अच्छा, उससे पहले आपको इस 7 का भी स्क्वेयर करना है, 49, और फिर इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 112 आ गया, तो आपने उसको ऐसे लिखना है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे लास्ट में आपको सिंगल डिजिट ही लिखना है, तो ये बन जाएगा 84, और इसका आप टोटल कर लोगे, 9 10 और 1 कैरी हो जाएगा, 6084। तो ये भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम करेंगे स्क्वेयर 3 डिजिट के, यानी 1 आप 100 to 999 के बीच में जितने भी डिजिट है उन सबको जो है स्क्वेयर कर सकते हो इस मेथड से। मैं काफी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाइए। तो अभी हम करेंगे स्क्वेयर 3 डिजिट्स नंबर। जी, पहला है, मैं छोटे छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करूंगा, 105 स्क्वेयर। अभी आपको क्या करना है, जब 100 के नजदीक वाले नंबर आएंगे आपको इसमें एक बेस लेट करना होता है, तो अभी हम इसमें बेस 100 लेट करेंगे क्योंकि 100 के नजदीक है। ऐसे जब 200 के नजदीक वाले नंबर आएंगे तो हम 200 बेस लेट करेंगे। मैं थोड़ा सा बेस का आपको आइडिया देता हूँ, जो 100 to 125 के बीच में नंबर होंगे उनका बेस आप 100 ले सकते हो, और 126 to 175 जो नंबर होंगे उनका बेस आप
150 लोगे, और जो नंबर 176 टू 200 होंगे उनका जो बेस है वो आपने 225 तक यू कैन से 200 लेना है। ऐसे ही आप फिर 226 टू 275 तक आप 250 बेस ले लेना। तो इस तरीके से हमने बेस सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा बेस है 100, फिर हमें ये चेक करना है कि 105 हमारे बेस से कितना ज़्यादा है, वो है 5 ज़्यादा। हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस 5 लिख देना है और यहाँ पे माइनस 5 लिख देना है। ये प्लस 5 और माइनस 5 लिखने का एक मेन रीज़न यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बोला ऐसे लिखने के लिए, ताकि ये आपको मेथड याद रहे। अभी जब आपने ये लिख दिया उसके बाद आपको क्या करना है, इसी 5 का स्क्वेयर करना है। तो इस 5 का स्क्वेयर करोगे तो ये 25 हो जाएगा। अब इस नंबर को स्क्वेयर करने के बाद आपने क्या करना है, इस 5 को 105 में एक बार ऐड करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है। प्लस का मतलब एक बार ऐड करना है, माइनस का मतलब एक बार सबट्रैक्ट करना है। 105 में 5 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा, 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, और आपको 100 से ही डिवाइड करना है। ये फिक्स है, मोस्टली हम 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो है 10 से भी डिवाइड करना पड़ सकता है। वो कौन से होंगे वो मैं आपको भी एग्जांपल में बता दूंगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास बच गया 110। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 110 एंड 25। मतलब 110 आपने इधर से लिया और 25 आपने इधर से लिया, ये हमारा आंसर आ गया। आप 105 का स्क्वेयर जो है वो चेक कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो है नंबर वो है हमारा 108। अभी चेक करना है आपको ये बेस से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो यहाँ पे प्लस 8 और माइनस 8 लिख लो। प्लस 8 इसलिए कि आपको याद रहे कि ये ऐड करना है, और माइनस 8 इसलिए कि आपको याद रहे कि हमने सबट्रैक करना है। अभी इसका स्क्वायर करना है 8 का, 64। अब 108 में एक बारी आपको 8 ऐड करना है, 116 हो गया। एक बारी 8 माइनस करना है, 100 हो गया। फिर आपको 100 से ही डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ गया 1664। और क्वेश्चन करते हैं इसके, इसकी मैं आपको काफी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम 114। मैं थोड़ा थोड़ा नंबर को इंक्रीज करता जाऊंगा। 114, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको चेक करना है 114 कितना ज़्यादा है 100 से, 14 ज़्यादा है। तो आपने प्लस और माइनस दोनों लिख लेने हैं। फिर आपको 14 का स्क्वेयर करना है, 14 का स्क्वेयर हो गया 196। फिर आपको 114 में 14 ऐड करना है, 128। सबट्रैक्ट करना है 100, 100 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 128 196। लेकिन ध्यान रखना आपने हमेशा, यहाँ से हमें दो ही डिजिट उठाने हैं। अगर तीन डिजिट आ गए, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तीन डिजिट आ गए, तो आपने क्या करना है, 1 कैरी करना है। हमारे पास जो डिजिट बचे हैं, यहाँ पे 128 बचा है, यहाँ पे 196 बचा है कैलकुलेशन करने के बाद, लेकिन यहाँ से आपने 96 ही लेना है। ये 1 को कैरी कर कर इधर ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 128 + 1 129 और 96, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। हाँ जी, और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 200 की रेंज में ले लेता हूँ। अभी फिर मैं आपको 150 के आसपास वाले नंबर भी बताऊंगा, पहले मैं एक टाइप की प्रैक्टिस करा दूँ आपको। 204, अभी बेस यहाँ पे हम 200 ले लेंगे और फिर देखेंगे कि ये 204 से जो है 200 से कितना ज़्यादा है। तो सेम हमें पता है कि 4 ज़्यादा है, प्लस 4 और माइनस 4। 4 का स्क्वेयर करेंगे 16, यहाँ पे 16 आ गया। फिर एक बार ऐड करना है इसको 208, 204 में ऐड करना है आपको 4 को, और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है अपॉन 100, ये कट गया। अब आप 208 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 416 16। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 41616 416 16।
हाँ जी, नेक्स्ट नंबर मैं लेता हूँ 215 ले लेते हैं, 215 स्क्वेयर। कितना ज्यादा है 200 से? ये 15 प्लस और माइनस लिख दिया, 15 का स्क्वेयर करेंगे 225। तो मैंने जैसे भी आपको बताया यहाँ से मैं 2 डिजिट ही उठाने हैं, तो 2 हमारा कैरी हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आपको इसमें 15 ऐड करना है 230, 15 सब्ट्रैक्ट करना है 200 अपॉन 100। वैसे तो मैं ये फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई करता हूँ, जब मैं खुद कैलकुलेशन करूंगा तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको सीखना है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ऐसा है कि ये 0 और 0 तो हमेशा कटनी है, तो मैं तो सीधे ही उसको डबल कर देता हूँ, मेरे को पता होता है मेरा बेस क्या है। ठीक है, अगर बेस 200 होगा तो डबल करूंगा, अगर बेस 300 होगा मैं 3 टाइम करूंगा, अगर 150 होगा तो मैं उसको 1.5 कर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लेकिन आपको अभी जो है इस फॉर्मूले से ही करना है, ताकि आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए, आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आप शॉर्टकट लगा सकते हो, आप खुद ही लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये 460 हो गया, और यहाँ पे 225 है, मैंने आपको बताया था यहाँ से हमें 2 डिजिट जो है होल्ड करने हैं, बाकी एक जो है कैरी कर लेना है, तो इसको वहाँ कैरी करके ले जाएंगे तो 2 इधर ऐड कर देंगे, 460 प्लस 2 462 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो 46225 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा 215 का। नेक्स्ट जो है नंबर 203, छोटा नंबर ही, चलो ये तो आपको मैंने बता ही दिया 204 का, तो उसके पास पास ही हो जाएगा। और ले लेते हैं 195 ले लेता हूँ मैं, जो कि 200 से थोड़ा सा कम है, 195। वैसे तो 195 लास्ट में 5 है, इसका स्क्वेयर करने का मैंने आपको अलग से मेथड बताया था। ठीक है, इतना आसान है, उस मेथड से ही मैं कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था 5 का स्क्वेयर 25, फिर 19 को 1 इंक्रीज कर दो 20, 20 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे 38025। वैसे तो इसका आंसर विद इन सेकेंड आपने निकाल दिया 38025, लेकिन अगर आपको इसी मेथड से करना है तो कैसे करना है, आपको पता है 195 जो है 200 से कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ प्लस 5 और माइनस 5 लिख देंगे, और फिर अब आपने 195 में 5 ऐड करना है 200, फिर माइनस करना है 190 अपॉन 100, और इसका आपको मैंने बताया था 5 का स्क्वेयर करना है 25, तो ये 2 जीरोस कट जाएंगे, 190 × 2 380, और इधर से 25, तो आप देखिए आपका आंसर सेम वही आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे पीछे 5 आ जाए ना, वहाँ पे तो आंख बंद करके आप विद इन सेकेंड, मतलब सेकेंड भी बड़ा लगता है इसमें कैलकुलेशन करना, उससे भी कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन से कि आप इस इनको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बड़े नंबर ले लेता हूँ कुछ, 806 स्क्वेयर। हमें पता है अब बेस हमारा 800 होगा, हमें पता है कि ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, प्लस 6 और माइनस 6। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वेयर करोगे 36, 6 का स्क्वेयर 36, फिर आपको 1 ऐड करना है, सॉरी 6 ऐड करना है और 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो मेरे को पता ही है कि कितना आएगा, 112 × 8 मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6496 और यहाँ से 36, तो जो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 649636। अगर आपको ये अभी शॉर्टकट नहीं पता चल रहा है, तो आपको जो मैंने मेथड बताया है कि 806 में एक बारी 6 ऐड कर दो, एक बारी जो है आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, और आप 100 से डिवाइड कर दो, तो आपको इस मेथड से कर लो। ठीक है जी, तो अगर आपको ये पता चल गया मेथड अच्छे से, तब आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के बाद ही करना आपने। चलिए अभी मैं आपको 150 के आसपास के नंबर लेकर दिखाऊंगा, आप तो आप बोलोगे कि सारे नंबर वो ले लिए जो कि इजी थे, अभी इसमें कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बेस लेंगे 150, 150 से कितना ज़्यादा है, 5, प्लस 5 लिख दिया, माइनस 5 लिख दिया, इसका स्क्वेयर किया 25 हो गया। अभी आपको करना क्या है, 5 ऐड करना है 160, 5 सब्ट्रैक्ट करना है 150 अपॉन 100। अभी मैं 100 से करूंगा, इसलिए अभी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, जब 10 से करूंगा तब थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी 100 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरी 2 जीरोज हैं, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, 16 को 15 से करेंगे 240 हमारा जो है आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे 25, और हमारा जो आंसर आ जाएगा 24025।
देखिए कितना आसान है, 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन सॉरी स्क्वेयर करना आप जो है चुटकियों में इसको कर पाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट है, और नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 591, 591। अभी हमें पता है 591 जो है उसका बेस हम 600 लेंगे, कितना ज़्यादा है कितना कम है, कम है ये 9, तो हम क्या करेंगे प्लस 9 और माइनस 9 एक बार ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 600, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 582 अपॉन 100, और इधर 9 का स्क्वेयर कर देंगे 81, और इधर 0 से 0 कट जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 12, 49, 3492, और यहाँ पे हमारा कितना था 81, तो ये 81 हो गया, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा 3492 81। और ले लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ जी, नेक्स्ट है 461, 461। अभी हम बेस जो है वो 450 लेंगे, तो 450 से कितना ज़्यादा है 461, 11, तो प्लस माइनस 11 लिख दिया, 121 का 11 का स्क्वायर करना है 121। अभी देखिए 121 में 3 डिजिट आ गया, हमने यहाँ पे 2 ही डिजिट रखने हैं, बाकी कैरी करना है, और फिर आपने क्या करना है इसमें 11 ऐड करने हैं, 472 बन जाएगा, 11 सब्ट्रैक्ट करने हैं 450 बन जाएगा। अब मेरे को 10 से डिवाइड करना है, अब मेरे को 100 से डिवाइड क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 100 कैंसिल आउट नहीं होगा, दो ऊपर सिंगल जीरो है, अगर 2 जीरो होती तो मैं 100 से ही डिवाइड करता, लेकिन वहां पे ऊपर 1 डिजिट आ गया, जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाए हैं उन सब में दो दो जीरोज आ रही थी, लेकिन यहाँ पे 1 जीरो आ रही, तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा। तो अगर ऐसा होता है कि 10 से डिवाइड करना है आपको, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ही डिजिट होल्ड करना है, 2 डिजिट कैरी करने हैं, वहां पे हम 2 डिजिट कैरी क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे थे। अगर मान लो हमें 1000 से डिवाइड करना हो, और बड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, 1000 से बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं, वो भी कर सकते हो आप इस मेथड से, तब आपको 1000 से डिवाइड करना है, तब आप क्या करोगे कि वहां पे 3 डिजिट आप जो है होल्ड कर सकते हो, तो ये रूल होता है, इसको याद रखना आपने। अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 को जो है 72 से करेंगे, ये आ जाएगा 90, और ये बन जाएगा 315, 315 में 9 ऐड करेंगे 324, 32 बन जाएगा 182, 112, और इधर से 121, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको 1 ही होल्ड करना है, बाकी जो 12 है वो कैरी करना है, तो इसको कैरी करके इधर ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 40 में 12 ऐड करेंगे 212522, ये हमारा आंसर आ जाएगा 521, सॉरी 1 होल्ड किया ना तो मैंने 2 लिख दिया वहां पे 1। हाँ जी, नेक्स्ट और ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 311, 311। स्क्वायर, हाँ जी, बेस 300 होगा, 300 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, तो प्लस माइनस लिख दिया हमने, इसका स्क्वायर किया 121 आ गया, फिर इसमें ऐड किया 322 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 311 में से 11 को 300 हो गया, फिर मेरे को 100 से डिवाइड करना है, अब मैं 2 ही डिजिट जो है राइट हैंड साइड पे होल्ड कर सकता हूँ, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 966, और ये आ जाएगा हमारा 121, 21 हम वहीं रखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, 96721, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कितने जल्दी जल्दी से ये सब कैलकुलेशन हो रही है। नेक्स्ट 252 और ले लेता हूँ, जो मिडिल में लाई करते हैं, मैंने हर टाइप का नंबर आपको लेकर बता दिया है, 252 का स्क्वेयर करना है आपको। अब बेस हम 250 लेंगे, कितना ज़्यादा है ये 250 से, 2 ज़्यादा है, प्लस 2 माइनस 2, जब आपको ये समझ आ जाए फिर चाहे आप प्लस 2 माइनस 2 लिखना नहीं है, अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है, 250 से 2 ज़्यादा है तो 2 ही ऐड करो, 2 ही सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है जी। ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए ये ऊपर लिखना ताकि आपको याद रह जाए। अभी हम 10 से डिवाइड करेंगे,
क्यों डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि ऊपर एक ही डिजिट है, और फिर इनका स्क्वेयर करेंगे, 2 4 2 का स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 4। तो हमने जो है इसको कर दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ये 100 हो गया, 125 और 10 135, ये बन जाएगा 6350, और हम 404। मैंने आपको बताया क्योंकि हमने 10 से डिवाइड किया है तो हम यहाँ पे एक ही नंबर रिटेन करेंगे, एक ही डिजिट रिटेन करेंगे, दूसरा कहाँ लेके जाएंगे, हम इधर लेके जाएंगे। जब मैं 6350 को 0 में प्लस करूँगा तो ये 635 ही रहेगा, 63504 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर सकते हो आप इसको 635004 नहीं लिखना, ध्यान रखना 0 भी कैरी होगा क्योंकि हमें, मैंने आपको बताया जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उतना ही हमें यहाँ पे होल्ड करना होता है, उतने डिजिट होल्ड करने होते हैं, बाकी सब हमें कैरी करने पड़ते हैं। हाँ जी, 252 के बाद और ले लेता हूँ मैं, 167 150 के आसपास हो गया ये 167 स्क्वेयर, तो 7 150 बेस ले लेंगे, 17 ज़्यादा है तो मैं 17 का स्क्वेयर करूँगा 289, फिर मैं 167 में 17 ऐड कर दूंगा 184, सब्ट्रैक्ट करूंगा 150। अब मैं 10 से ही डिवाइड करूंगा क्योंकि ऊपर दो जीरोस कटे ही नहीं, कैंसिल आउट नहीं होंगी, तो मैंने एक ही लिया, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 126, फिर 2760। इधर से आपको क्या करना है, एक ही डिजिट रखना है और 2 डिजिट कैरी करने हैं, 28 आपको सारा कैरी करके लेके जाना है, इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 288 और 9 जो है यहाँ से आ जाएगा ये वाला, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, चलिए बहुत मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दी है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं इसका, 243 का ले लेते हैं स्क्वायर, 243 ये 250 के आसपास है तो हम 250 बेस ले लेंगे, कितना कम है ये 7, तो प्लस 7 और माइनस 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 7 ऐड करेंगे 250, सब्ट्रैक्ट करेंगे 236 अपॉन 100 कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि दो जीरोज हैं, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अभी देखिए 36 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको इसका भी शॉर्टकट बताया हुआ है, ठीक है जी, आप वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। तो शॉर्टकट जो मैंने आपको पहले बताए वो सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी लिखने में, मैंने क्या लिख दिया, 360 लिख दिया, कितना लिखना था मेरे को यहाँ पे 57 ऐड किया, 236 लिखना था, 236, हाँ जी ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसका शॉर्टकट 25 से मल्टीप्लाई करने का, इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे ये 59 हो जाएगा, दो जीरो खुद से लगा देंगे साथ में, देखिए कितनी आसानी से जो है 25 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, एक बार भी सोचना नहीं पड़ा, और 49 अभी क्योंकि मैंने 100 से डिवाइड किया है तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट ही रिटेन कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 590049, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 से डिवाइड किया 100 से, सॉरी गलत कर दिया, ये लास्ट वाला ना, मैंने पहले गलत नंबर लिख दिया, उसी के अकॉर्डिंगली मैं लिख पा रहा हूँ, इसको कर देते हैं ठीक, कोई बात नहीं, ये एक जीरो कैंसिल आउट होगी, एक डिजिट यहाँ पे रिटेन कर पाएंगे और एक डिजिट जो है कैरी होगा, ये लो जी ठीक हो गया, ये कैरी हो गया, 4 गया उधर, 5904 और 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा 59049। तो अभी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैंने इसकी प्रैक्टिस करवा दी है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट फॉर 3 डिजिट नंबर्स, जिसमें आप 100 to 999 तक कर सकते हो और इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ जी, अब हम चलते हैं स्क्वेयर रूट की तरफ, स्क्वेयर रूट कैसे निकालना है जो कि एक मेजर कंसर्न होता है बच्चों का, स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ जी, स्क्वायर रूट,
बड़े छोटे छोटे नंबर से मैं स्टार्ट करूंगा। स्क्वेयर रूट आपको 2 डिजिट तक ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले आपको इतना आ जाए, ठीक है, वही आपको हेल्पफुल होगा। छोटे छोटे नंबर लूंगा मैं पहले, √7 जैसे मैंने लिया। अब आपको इस केस में परफेक्ट स्क्वेयर नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वेयर नंबर के बारे में पहले बताया था, दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ। जो हमारे परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कौन से हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, 121 है, 144 है, 169 है, 196 है, 225 है, तो 256 है, 289 है, 324 है, ये सब आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको 30 तक तो वैसे ही बता दिए थे, अभी बाकी मैंने इनके मेथड भी बताए हैं। तो एक मैं आपको जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि 36 जैसे परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है, इसका स्क्वेयर 36 होता है, तो आपको याद रखना है कि रूट जो होता है, स्क्वेयर रूट इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। √36 करेंगे तो 6 आंसर आएगा। तो आपको नियरेस्ट स्क्वेयर रूट याद रखना है। अब आप नियरेस्ट परफेक्ट नंबर ढूंढना है। अब आप देखो कि √7 के आसपास दो नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हैं, एक है 9, एक है 4, लेकिन आपको दोनों में से नियरेस्ट ढूंढना है, ठीक है, उनका डिफरेंस देखना है। अगर आप 7 और 9 का डिफरेंस देखते हो तो 2 आता है गैप, और अगर 7 और 4 का डिफरेंस देख रहे हो तो 3 आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 9 को सिलेक्ट करेंगे। आपको नियरेस्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। हर नंबर जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे, हर बारी आपके पास 2 स्क्वायर रूट आएंगे, सॉरी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे जो नियरेस्ट होंगे, जो नियरर होंगे, नॉट नियरेस्ट, और आपको उसमें से नियरेस्ट सेलेक्ट करना है। तो नियरेस्ट हमारा है यहाँ पर 9, बस यही काम मेन है। उसके बाद तो ये बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है √9, कितना गैप है, यहाँ पे मैं गैप भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है। हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे गैप छोटा है, 9 और 7 का डिफरेंस जो है सिर्फ 2 है, यहाँ पे 9 7 और 4 का डिफरेंस जो है वो 3 है। अब आपको क्या करना है, इसका जो है √9 लिख दिया, कितना गैप है आपका 2, ये लिखना है। अब √9 कितना होता है, ये तो सबको आता है 3, फिर माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये सारा स्टेप बिल्कुल एज इट ही लिख दिया, क्योंकि सबको पता है √9 का जो स्क्वेयर रूट होता है वो 3 होता है। अब यहाँ पे आपका जो है मेन कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं इतने स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझाना है, नहीं तो मैं शॉर्टकट में अब तक कर देता होता। इसको 9 - 2, इस नंबर का आपने डबल करके 2 से डिवाइड करना है। ये बन गया 2/6, आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 1 और 3, ये बन गया 3 - 1/3, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 8/3, 8 को आप सिंप्लीफाई करोगे 2.66, ये आपका जो है स्क्वेयर रूट आ गया। √7 का स्क्वेयर रूट 2.66। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि माइनर सा 1-2 डिजिट का डिफरेंस आपका आ सकता है कैलकुलेटर से, बट स्क्वेयर रूट में वो जो मार्जिन होता है वो मतलब उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सही कंसिडर किया जाता है। चलिए और कुछ एग्जांपल लेकर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपकी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। √8 ले लेते हैं। √8 का भी सेम कंसर्न है, उसके नजदीक 2 परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हैं, 4 और 9। फिर मैं 9 ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो मैंने लिख लिया √9, फिर मैंने डिफरेंस लिखा, फिर मैंने क्या, अब मैं बीच में एक स्टेप छोड़ूंगा, ठीक है जी। √9 का स्क्वायर क्या गया, 3, फिर मैंने 1 लिखा और इस 3 का डबल कर दिया, 3 - 1/6, फिर मैं एलसीएम लूंगा, 18 - 1/6, ये बन जाएगा 17.6, 17.6 जो है 2.83, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट √10 ले लेते हैं। छोटे छोटे नंबर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं आपको थोड़े बड़े नंबर करके भी बता दूंगा। अभी आपको पता है 10 के नजदीक भी 2 परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हैं, 9 और 16, मैं 9 को ही लूंगा, तो मैं सीधे लिख दूंगा √9। कितना गैप है, ओनली 1 का, 9 और 10 का गैप कितना है, 1, √9 का स्क्वेयर रूट 3, और इसका डबल करेंगे, 1 से 1 को डिवाइड कर देंगे, उससे 3 - 1/6, एलसीएम लेंगे। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना आपने, अभी आपने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो ऐसा है जिसमें 1 ऐड करना पड़ रहा है, तो जब यहाँ पे आपको प्लस लेना है तभी आपका आंसर आएगा। ये बन जाएगा 19.6 और ये बन जाएगा 3.16।
अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने प्लस क्यों किया। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि इसके निरर दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, यहाँ पे मैंने इसे बड़े वाला लिया, ठीक है जी, तो मैंने माइनस किया। अगर मैं इसे छोटे वाला लूंगा तो मेरे को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे है 10 के नज़दीक दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास 9 और दूसरा है 16। 9 में 1 ऐड करेंगे तब जाकर 10 आएगा, तो इसलिए मेरे को ऐड करना है। तो ध्यान रखना आपको ऐड और प्लस का, ये डिफरेंस का आपको ध्यान रखना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 3.16। और मैं ऐसे कुछ एक दो एग्जांपल आपको करवा दूंगा। चलिए √13 करके देखते हैं। √13 जो है उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लेंगे, 9 और 16 है, ठीक है जी, 9 एंड 16 नियरेस्ट कौन सा है, 16 है, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा क्योंकि 16 माइनस 13, ठीक है जी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे √16 और कितना गैप है 3 का, तो ये बन जाएगा 4 माइनस फिर 3 अपॉन 4 का जो है डबल करेंगे 8, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 4 माइनस 3 बाई 8, 32 माइनस 3 29 बाई 8, तो ये बन जाएगा 3.625, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ले लेते हैं नंबर √47। मैं अब थोड़ा नंबर बड़ा कर देता हूँ, √47। 47 के नज़दीक देख लो आप कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, एक होता है 36, एक होता है 49। अभी 49 में से 2 माइनस करेंगे तब 47 आएगा, इसलिए माइनस ही करना है मेरे को, तो √49 माइनस, हाँ जी, कितना गैप है 49 और 47 का, 2 का, और √49 कितना होता है 7। चलो अभी मैं एक स्टेप में और कर देता हूँ, 7 माइनस 2 अपॉन 14, तो ये बन जाएगा 1 7 माइनस 1 बाय 7, 48 बाय 7। 48 बाय 7 जो है अप्रॉक्सीमेटली 6.85 के आसपास होगा। हाँ जी, और नंबर ले लेते हैं, और नंबर बड़ा कर देता हूँ, √65। हाँ जी, 65 के आसपास देखो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, एक तो 64 है और एक 81 है। 81 तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो 64 ले लेंगे, 64 में 1 ऐड करेंगे तब 65 आएगा, इसलिए प्लस करना है आपको, ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा √64 प्लस 1, √64 कितना होता है 8 प्लस 1 अपॉन 16, 8 प्लस 1 अपॉन 16, एलसीएम लेंगे 128 प्लस 1 अपॉन 16, 129 अपॉन 16, 129 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8.06, इसके आसपास जो है आपका नंबर आ जाएगा। √27 ले लेते हैं। √27 जब हम करेंगे, इसके नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे 5 एंड 36, 25 एंड 36, ठीक है जी। अब 25 में मैं नियरेस्ट देख लो कौन सा है, 25 है। अब 25 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तब 27 आएगा, तो यहाँ पे मेरे को ऐड करना है, तो ये ऐड और माइनस का आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो ये बन जाएगा √25 प्लस 2, ये बन जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 10, ठीक है, 5.2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और ले लेते हैं, √35 ले लेते हैं। √35 किसके नज़दीक है, 36 के, 36 में से 1 माइनस करेंगे तब आएगा, अब हमें माइनस करना है, √36 माइनस 1, ये बन जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन 6 का डबल 2, और इसका हम लेंगे जब एलसीएम लेकर करेंगे 71 बाय 12 आ जाएगा, 71 बाय नहीं, कुछ गलत, एक मिनट रुको, √35 किया ना मैंने, हाँ ठीक है, मेरे को लगा मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 5.91 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये और नंबर ले लेते हैं, 75 ले लेता हूँ, √75। अब इसके नज़दीक देख लो, एक तो है 64, एक है 81, 81 नज़दीक है, ठीक है जी, 81 में से मैं माइनस करूँगा, कितना गैप है ये 6 का, माइनस करूँगा 6 तब जाकर जो है 75 आएगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे माइनस करना है √81 माइनस 6,
और फिर रूट 81 कितना होता है, 9 माइनस 6/18, और ये बन जाएगा 9 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 27 माइनस 126/3, ठीक है जी, जो कि 8.66 बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी टू डिजिट का नंबर जो है उसकी जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं कि आपको क्यूबिंग कैसे करनी है, क्यूबिंग कैसे करनी है। एक मिनट वेट करना, जरा हैंगअप हो गया ये। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्यूबिंग। क्यूबिंग को हम जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। नंबर जो है स्टार्टिंग विद वन, स्टार्टिंग विद वन जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, फिर नंबर टू, चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर एंडिंग विद वन और फिर सेम डिजिट वाले, नंबर विद सेम डिजिट्स, और फिर लेंगे एनी नंबर, एनी डिजिट, कोई भी डिजिट आ जाए उसमें, जिसमें हमें कोई कंडीशन को ध्यान नहीं रखना, ठीक है जी, वो वाले। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद एंडिंग नंबर, स्टार्टिंग विद डिजिट वन, वो जो वन से स्टार्ट होते हैं, नंबर स्टार्टिंग विद वन, पहला नंबर मैं लेता हूं 12। आपको पता है 12 जो है वन से स्टार्ट होता है, इसका क्यूब करना है मेरे को। अभी मैं क्या करूंगा, पहले इसका क्यूब कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा इस नंबर को लिखूंगा ऐसे ही 2, इसका क्यूब करना है, ध्यान रखना, या मैं लिख देता हूं क्यूब, यहां पे ये सेम लिखना है, ये नंबर सेम लिखना है आपको, फिर आपको इसका स्क्वेयर करना है, सेम स्क्वेयर, ये 4 हो जाएगा, फिर एक बार क्यूब करना है। लास्ट वाले डिजिट का आपको एक बार ही क्या करना है, ऐसे लिखना है एक बारी नंबर, फिर एक बारी उसका जो है स्क्वेयर करना है, एक बारी जो है उसको क्यूब करना है, और ये जो मिडिल वाले डिजिट है इनका डबल करना है, 2 को डबल कर देंगे, 4 इसको भी डबल कर देंगे, बस हो गया आपका काम, आंसर आ गया। यहाँ पे सिंगल डिजिट ही रखना है आपको हमेशा, ठीक है, सिंगल डिजिट 8 आ गया, यहाँ पे टोटल करेंगे 12 आएगा, लेकिन आपको सिंगल डिजिट रखना है 12 में से, और 1 कैरी कर देना है। मैं पहले एक बार आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, फिर हम इसको शॉर्टकट में कर देंगे। यहाँ से 1 कैरी करना है हमें, मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इसको कैरी करना है आगे। यहाँ पे इनकम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, 6 आएगा, और यहाँ पे 1 कैरी भी होगा, तो 6+1 जो है ये 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 7 बन जाएगा, और यहाँ पे देखो 7 सिंगल डिजिट आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा 1728, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, यही इसका क्यूब होता है। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर एक और ले लेता हूँ मैं, इसमें दो दो हर उसके आपको दे दूंगा एग्जाम्पल। 15, 15 भी जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 15 का क्यूब करना है, जैसे मैंने आपको बताया पहले इसका क्यूब करना है 1 का, फिर 5 को सेम लिखना है, फिर 5 का स्क्वेयर करना है, फिर 5 का क्यूब करना है। छोटो छोटे नंबर्स का क्यूब तो आपको याद होना चाहिए, 1 to 9 या 10 तक तो आपको क्यूब वैसे ही याद होने चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, 1 क्यूब, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 125, 216, 343, 512, ठीक है, 729, 1000, 1331, ये आपको याद होने चाहिए, 10 11 तक तो आपको वैसे ही याद होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट रखना है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 12 कैरी होगा, पहले इनको डबल कर दो, इसका डबल करेंगे 10, इसका डबल करेंगे 50, अब यहाँ पे हमें रखना है 5, 12 कैरी हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 75, 75 में हम 12 ऐड कर देंगे,
ये बन जाएगा 87, यहाँ पे आपको 7 रखना है, 8 कैरी करना है, तो ये बन जाएगा 15, 15 प्लस 8 23, फिर यहाँ पे 3 रखना है, 2 कैरी हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा 573 3375 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला नंबर उठाना है, ये वाला उठाना है, ये वाला उठाना है और ये वाला, ठीक है जी, बाकी सब कैरी वाले थे, ठीक है जी। चलिए ये थे हमारे नंबर स्टार्टिंग विद 1। अब हम ऐसे नंबर लेंगे जिनका एंड 1 से होता है, बस रिवर्स ऑर्डर में करना है, मेथड सेम है, नंबर एंडिंग विद वन, लास्ट में 1 आना चाहिए, ऐसे नंबर्स, ठीक है जी। 21 ले लेते हैं, 21 का क्यूब करना है हमें। अब बस आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, इसका क्यूब करना है आपको 1 का, और फिर ये नंबर सेम लिखना है। पहले तक कि हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे थे, अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूं। तो अभी 2 लिखा हमने, फिर 2 का स्क्वायर किया 4, फिर 2 का क्यूब कर दिया 8, फिर ये मिडल वाले नंबर्स का दोनों का आपको डबल करना है, और यहाँ पे तो छोटे छोटे नंबर ही हैं, 1 6, यहाँ पे 12 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी होकर आगे जाएगा, तो 8 प्लस 1 9 2 6 1, ये हमारा 21 का क्यूब आ गया। हाँ जी, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 31 सेम 1 का क्यूब करना है, 3 को सेम लिखना है, 3 का स्क्वायर लिखना है, 3 का क्यूब लिखना है, मिडल वाले नंबर्स को डबल करना है, और फिर आपको ऐड करना है, एडिशन करनी है, 1 9 27, 2 कैरी होगा, यहाँ पे 27 प्लस 2 29, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29791, दिस इज 7, 29791, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम सेम डिजिट वाले उठा लेते हैं, ठीक है जी। अभी मैंने आपको 2 बताए, पहले स्टार्टिंग विद 1, एंडिंग विद 1, अब सेम डिजिट, जिनका सेम डिजिट होगा, नंबर विद सेम डिजिट्स, हाँ जी, 22 ले लेता हूँ मैं, तो 22 का करेंगे हम क्यों, करना आपको वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 है ना, सेम डिजिट है, 8 को लिख लो, 2 का क्यूब कर दो, 8 4 टाइम लिख दो, मिडिल वाले नंबर्स को जो है आपने क्या करना है, डबल करना है, 16 और 16, और यहाँ पे 8 24, 2 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 24 प्लस 2 26, और यहाँ पे 8 प्लस 2 10, 10648 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 33 ले लेते हैं, 33 का क्यूब करना है आपको, हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया आपने इनका क्यूब लिखना है, 27 27 27, 4 टाइम लिखना है आपको, उसके बाद मिडल वाले नंबर्स का डबल करना है, इसका किया डबल 54, इसका किया 54, सिंगल सिंगल डिजिट रखना है, यहाँ पे 7 रखा, इनका टोटल किया 81, 81 में 2 कैरी किया था हमने, 83, फिर 8 को कैरी कर देंगे इधर, तो ये बन जाएगा 81 प्लस 8 89, फिर 9 को यहाँ रखेंगे, 8 को कैरी कर देंगे, 8 यहाँ पे जाएगा 35, तो ये बन जाएगा 35, यहाँ से 9, यहाँ से 3, यहाँ पे 7, 35937 जो है हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी, अब हम चलते हैं लास्ट क्यूब की तरफ, जो कि हमारा क्यूब है जिसमें आपको क्या करना है कि कोई भी डिजिट हो सकते हैं, तो उसके कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ,
नंबर विद एनी डी ए 24 क्यूब, तो ये आप 1 to 99 तक किसी भी नंबर का जो है क्यूब कर सकते हो। ठीक है जी, इतने ट्रिक्स आपके लिए बहुत हैं क्योंकि क्यूबिंग में इससे ज़्यादा। तो पहले आपको 2 का क्यूब करना है, मेथड वही है आपका। ठीक है जी, 2 का क्यूब करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मैं थोड़ा नंबर जो है नीचे ले जाकर लिखता हूँ ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। पहले तो 2 का क्यूब करना है आपको, 2 क्यूब मैं यहां लिख देता हूं स्टेप ना साथ ही साथ। फिर आपको 2 का स्केयर करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्केयर किया हमने, 4 4 into 4 16 आ गया। फिर यहां पे क्या करना है तीसरे स्टेप में, आपको उल्टा करना है, 4 का स्केयर करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये स्केयर शिफ्ट कर देना है 2 से 4 पे कर देना है। ये हो जाएगा 16 into 2 32, और लास्ट वाले में 4 का क्यूब करना है आपको, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब सारा प्रोसेस सेम है, डबल डबल मिडल वाले नंबर डबल, फिर वही सिंगल डिजिट रखना है, बाकी सब कैरी करना है। 4 रखा हमने, 6 कैरी कर लिया, 96 इनका टोटल होगा, प्लस 6 102, 10 आगे चला जाएगा, 48 प्लस 10 58, 8 यहाँ रखेंगे 5 आगे चला जाएगा, 13824 हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो है 13824। ठीक है जी, तो अभी मैं जो है आपको इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ और फिर हम जो है लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा टेबल जो कि मेन है। क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। हाँ जी, 43 ले लेता हूँ मैं एक और एग्जांपल, 43 से करके दिखा देता हूँ। 43 क्यूब करना है आपको, जैसा मैंने बताया पहले इसका क्यूब करना है, 64 हो गया, फिर 4 का स्केयर करके 3 से मल्टीप्लाई करना है, 16 into 3 48 हो गया। फिर मेरे को क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, 9 into 4 36 हो गया। फिर मेरे को 3 का क्यूब करना है। कहने का मतलब ये है कि इस केस में आपको लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनका क्यूब करना है और मिडल वाले में 1 का स्क्वायर करना है, दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। अब मिडल वालों को डबल करो, 96 72, अब इनको ऐड करो, 7 सिंगल डिजिट रखना है, 2 कैरी हो जाएगा, ये बन जाएगा 108, उसमें 2 ऐड कर देंगे 110, 0 रखेंगे 11 कैरी कर देंगे, ये टोटल बन जाएगा 144 प्लस 11 155, 5 रखेंगे और 15 कैरी कर देंगे, 15 यहाँ पे चला जाएगा 79, तो फाइनल आंसर बन जाएगा 79507। तो ये था क्यूबिंग। अब हम बढ़ते हैं टेबल की तरफ कि टेबल आपको कैसे लिखने हैं। 1 to 9 तक तो वैसे आप याद ही रखो, 1 to 10 तक भी, वैसे तो लोगों को 20 तक याद होते हैं, फिर भी चलो मैं आपको 11 12 17 16 ये सब लिखना सिखा देता हूँ, और बड़े बड़े टेबल भी विद इन सेकेंड आप कैसे लिख पाओगे। ठीक है जी, टेबल्स वैसे तो बहुत कुछ अभी बताने वाला था लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। हाँ जी, पहले 11 देख लेते हैं, 10 तक तो सबको याद होते हैं, 11 का टेबल। ठीक है जी, हाँ जी, अच्छा एक मैं आपको टेबल के बारे में और क्लियर कर दूं। जब हम बोलते हैं 2 3 जा, एक्चुअली वो 3 जा नहीं होता, 2 3 जा 6 बोल देते हैं हम, वैसे वो क्या होता है, 2 3 is a 6, एक्चुअल में ये होता है, हम शॉर्ट में उसको 2 3 जा 2 4 जा, एक्चुअल जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है 2 3 is a 6, 2 4 is a 8, 2 5 is 10, 2 6 is a 12, एक्चुअल में ये होता है। चलिए सभी ऐसे बोलते हैं, हम भी ऐसे बोल देते हैं। तो अभी आपको इसमें कैसे करना है, आपको इस 1 का टेबल लिखना है, पहले इस वाले का इस डिजिट का आपको टेबल लिखना है। 1 का टेबल लिख दो, 1 का टेबल तो सबको ही आता है, 1 2 3 4 5 6, पहले 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं बस, और कुछ नहीं करना आपको। 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर आपको इस वाले वन का भी टेबल लिखना है और यही रूल आपको हर टेबल के अंदर फॉलो करना है, बस काम हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो ये बन गया इलेवन, ये बन गया ट्वेल्व सॉरी ट्वेंटी टू, ये बन गया थर्टी थ्री, ये बन गया फोर्टी फोर, ये बन गया फिफ्टी फाइव, ये बन गया सिक्सटी सिक्स, यहाँ पे आ गया सेवेंटी सेवन, यहाँ पे आ गया 88, यहाँ पे 99, यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट रखना है जीरो, एक को वहां कैरी करना है 10 प्लस 1 11, जहां पे दो दो डिजिट आएंगे आपको ऐसे करना है, तीन आ गए तब भी आपको सिंगल रखना है, दो कैरी करने हैं। चलिए और मैं एक बड़ा टेबल ले लेता हूँ, थोड़े थोड़े बड़े टेबल ले लेता हूँ, पहले 12 का करके दिखा देता हूँ आपको एक बारी, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों डिजिट सेम थे 1 1, इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देख लो आप, पहले आपको वन का स्क्वेयर करना, वन का टेबल लिखना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। फिर आपको टू का टेबल लिखना है, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल डिजिट आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, 12 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे 48 आ गया, यहाँ पे दो डिजिट आ गया आपके पास। आपको मैंने बताया यहाँ से सिंगल रखना है आपको, एक कैरी करके उधर ले जाना है, तो ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा 60, इधर भी सेम, ये 1 कैरी हो जाएगा 6 प्लस 1 7 72, इधर भी 1 कैरी हो जाएगा 7 प्लस 1 8 84, फिर इधर वन कैरी हो जाएगा 96, फिर इधर वन कैरी हो जाएगा 108, फिर इधर टू कैरी हो जाएगा 12 120 आ गया। और बड़ा टेबल ले लेता हूँ, 23 का टेबल ले लेता हूँ, ठीक है जी, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है जी, 23 से कर देता हूँ मैं। फिर एक और बड़ा नंबर लूँगा जो कि काफ़ी बड़ा ले लूँगा, 70 की रेंज में ले लूँगा, चलिए 23 का देख लेते हैं। पहले आपको टू का टेबल लिखना है, इसका टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी। फिर आपको थ्री का टेबल लिखना है, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी। हाँ जी, जो सिंगल डिजिट है उनको तो ऐसे लिख दो, 23, 46, 69, यहाँ पे दो डिजिट आ गए, एक वन कैरी हो जाएगा 92, यहाँ पे भी 115 बन जाएगा, यहाँ पे वन कैरी होगा 138 बन जाएगा, यहाँ पे टू कैरी होगा 138, यहाँ पे टू कैरी होगा 161 बन जाएगा, यानी 23 7 जो है 161 होता है, ये 184 बन जाएगा, ये 207 बन जाएगा, ये बन जाएगा 230, थ्री कैरी होगा 20 प्लस 3। देखो कितनी आसानी से मैंने 23 का टेबल लिख दिया। और बड़ा नंबर लिख देता हूँ, एक 78 ले लेता हूँ, 78 से करके दिखाता हूँ कितना बड़ा नंबर है, लेकिन उसका टेबल आप कितनी आसानी से लिख पाओगे वो देखो। तो ये आप चाहे 1000 तक लिख लो, सभी टेबल में यही रूल फॉलो होता है, 78 का ले लेते हैं। पहले 7 का टेबल लिखेंगे, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70। फिर 8 का टेबल इधर लिखेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54, ये 64 सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, 56 और यहाँ पे 64, 72 और 80। हाँ जी, सिंगल डिजिट को तो ऐसे ही लिख दो, 78,
यहाँ पे वन कैरी हो जाएगा 156, यहाँ पे टू कैरी हो जाएगा 234, उधर ले जाकर कैरी को ऐड कर देना है। यहाँ पे थ्री कैरी हो जाएगा 31, तो 312 हो जाएगा। यहाँ पे फोर कैरी हो जाएगा, ये बन जाएगा 390। यहाँ पे फोर कैरी हो जाएगा 468। यहाँ पे फाइव कैरी हो जाएगा 546। यहाँ पे सिक्स कैरी हो जाएगा 624। और यहाँ पे सेवन कैरी हो जाएगा 702। और यहाँ पे एट कैरी हो जाएगा 780। ठीक है जी, कितनी जल्दी हमने जो है विद इन सेकेंड जो है 78 का टेबल लिख लिया। ऐसे ही आप टेबल ट्राई कर सकते हो, करना कुछ नहीं है, पहले डिजिट का टेबल लिखना है, दूसरे का लिखना है, दैट्स इट। ठीक है जी, तो होप आप सभी लोगों ने ये सारे शॉर्टकट्स जो है एंजॉय किए होंगे। अभी मैं आपको एक जो है मंत्रा देता हूँ, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन। तो मंत्रा ये है कि आपको अपने बिजी शेड्यूल में से, हर बंदे का शेड्यूल बिजी है, स्टूडेंट्स का तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, इतना सारा आपके पास होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, लेकिन आपको 10 to 15 मिनट रोज स्पेयर करने हैं। वो आपका कोई भी टाइम हो सकता है जब आप बोर हो रहे हो, ठीक है, तब आप जो है उस काम को कर सकते हो। आपने पेन नहीं उठाना, पहले आप 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ता पेन और नोटबुक उठा सकते हो। आपने क्या करना है, जैसे आपने आज डिसाइड कर लिया कि मैंने 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, 15 मिनट करनी है रोज। फिर जब आपको थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई अब मेरे आंसर सही आ रहे हैं, फिर आपने नोटबुक को और पेन को साइड में रख देना है। आपने नंबर सोचने हैं, कैलकुलेटर को तो बिल्कुल पास फटकने नहीं देना, और आपने नंबर सोचने हैं अपने और उनको माइंड में कैलकुलेट करना है। और आपका माइंड बोलेगा नहीं, नोटबुक पे लिख के कर, पेन को उठा, कैलकुलेटर से देख, लेकिन आपने नहीं करना ये काम। ठीक है, ये आपने क्या करना है, अपने माइंड को जोर देना है, नहीं तू ही कर, तू ही कर, ये काम तेरा है भाई। ठीक है, और उसी को बोलना है वो करेगा, वो आपके लिए काम करेगा, सिर्फ आपको उसको कमांड देनी है। ये मंत्र आपने फॉलो करना है रोज 15 मिनट, आपने अपने ब्रेन को, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड करना है कि वो आपके लिए कैलकुलेशन करे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम ऑल ऑफ। हाँ जी, चलिए अभी यहाँ जो है इसको बाइंड अप करते हैं। होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। गुड बाय, गुड लक, एंजॉय योर हॉलीडेज। Thank you, sir. It was a wonderful session. I hope the students enjoyed a lot. Thank you. Thank you, sir. Students, do join in. We have another camp tomorrow also.